हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस केलीज थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन इसको को वेरिएशन मॉडल भी बोलते हैं ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एट्रीब्यूशन तो एट्रीब्यूशन एक प्रोसेस है थ्रू विच वी अटेम्प्ट टू आंसर द क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन टू डिटरमाइन द कॉजेज बिहाइंड अदर्स बिहेवियर किसी भी दूसरे बिहेवियर किसी दूसरे इंसान के जो बिहेवियर है जो भी वो चीज़ कर रहा है वो क्यों कर रहा है उसके पीछे का जो कॉज है उसको जब हम पता करते हैं ठीक है तो ये जो प्रोसेस होता है इसको एट्रीब्यूशन बोलते हैं बाई चांस आपने किसी को जो बहुत गुस्सा कर रहा है ठीक है बहुत चिल्ला रहा है ठीक है तो यू माइट थिंक उसके साथ कुछ गलत हुआ है जिस वजह से वो चिल्ला रहा है ठीक है या तो फिर न, उस वो खुद ही बैड टेम्पर्ड है ठीक है उसको हर वक्त गुस्सा इस वजह से वो गुस्सा कर रहा है ओके तो जब वी एग्जामिन अदर्स बिहेवियर फॉर क्ल्यूज एस टू दॉजेस बिहाइंड वॉट दिस से जो भी वो इंसान है हम उसी इंसान का जो बिहेवियर है उसी बिहेवियर से हम क्ल्यूज लेते हैं और तब हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं that अपने कैरेक्टरिस्टिक की वजह से वो चीज कर रहा है या कुछ सिचुएशनल ऐसी चीजें हैं जिस वजह से वो इस तरह से बिहेव कर रहा है ठीक है तो दो रीजन हो सकते हैं तो अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम तीन जो एस्पेक्ट हैं वहाँ पे ध्यान देते हैं ठीक है नंबर वन इज़ कंसेंसिस ठीक है तो जब वेन वेन अर पीपल बिहेव इन द सेम वे एज टारगेट पर्सन टारगेट पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं ठीक है ठीके? तो जब दूसरे लोग भी उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं तो इस चीज़ को बोलते हैं कंसेंसिस ठीक है अगर हाँ इसका आंसर है तो यानी कि कंसेसनेस हाई होगी ठीक है अगर इसका आंसर नो है कि नहीं दूसरे लोग वैसा बिहेव नहीं करते हैं जैसा टारगेट पर्सन कर रहा है तो क्या है कंसेसनेस लो है उसके बाद वेदर दिस पर्सन बिहेव इन द सेम मैनर ओवर टाइम ठीक है कि वो हर अलग अलग टाइम पीरियड में भी वो उसी तरीके से बिहेव कर रहा है तो इसको बोलेंगे कंसिस्टेंसी अगर इसका आंसर येस है तो कंसिस्टेंसी हाई है और अगर नो है तब भी कंसिस्टेंसी हाई है यानि कि चाहे वो बिहेव कर रहा हो ठीक है हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो मतलब कंसिस्टेंट है हम अगर कोई काम नहीं भी कर रहे हैं तो उसमें भी तो कंसिस्टेंट है ना इस वजह से दोनों ही आस्पेक्ट में कंसिस्टेंसी हाई होगी उसके बाद वेदर टारगेट पर्सन बिहेव इन द सेम वे इन डिफरेंस सिचुएशन अलग अलग सिचुएशन में भी क्या टारगेट पर्सन वैसा बिहेव कर रहा है तो इसको बोलेंगे डिस्टिंगटिवनेस अगर इसका आंसर येस है तो डिस्टिक्टिवनेस लो है यानी कि जो टारगेट पर्सन है ही इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश कि वो हर सिचुएशन में एक ही जैसा बिहेव करता है वो सिचुएशन को डिफर नहीं कर पाता है तो अगर ऐसा है तो यानी कि वो उसका जो डिस्टिंगटिवनेस है वो लो है और अगर इसका आंसर नहीं है ठीक है वो हर सिचुएशन में अलग अलग सिचुएशन में डिफर कर पाता है और तब उस तरह से बिहेव करता है तो इसका मतलब उसकी जो डिस्टिंगटिवनेस है वो हाई है ओके Okay. अब अगर हम इंटरनल और एक्सटर्नल की बात करें कि कब हम दूसरे के बिहेवियर को इंटरनली एट्रीब्यूट करते हैं और कब हम एक्सटर्नली एट्रीब्यूट करते हैं ठीक है तो ये जो तीनों हैं इनमें हम लो हाई वाला चीज़ देखेंगे तो अगर हम इंटरनली एट्रीब्यूट करें यानी कि जो भी पर्सन है उसके हम पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पर ध्यान दे रहे हैं इस वजह से बोल रहे हैं कि उसका जो बिहेवियर है वो उसके पर्सनैलिटी की वजह से तो कंसिसनेस जो है वो लो होनी चाहिए लो का मतलब है कि जो दूसरे लोग हैं वो वैसा बिहेव नहीं कर रहे हैं ओके वेदर अदर पीपल बिहेव इन द सेम वे एज अच्छा अगर वो अगर वो वैसा बिहेव कर रहे हैं तो उसका मतलब कंसिस्टेंसी हाई है अगर वो वैसा बिहेव नहीं कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी लो है ठीक है कंसिस्टेंसी दोनों में ही हाई है चाहे वो एक जैसा बिहेव करें चाहे ना करें ठीक है तो कर भी रहे हैं तब भी कंसिस्टेंसी हाई, नहीं भी कर रहे हैं तब भी कंसिस्टेंसी है तो वहां पे भी कंसिस्टेंसी हाई होगी डिस्टिंग्टिवनेस में लो है यानी कि जो पर्सन है वो अलग अलग सिचुएशन में वैसे ही बिहेव करता है ठीक है चाहे सिचुएशन जो भी हो उसके लिए डिस्टिंगटिवनेस नहीं है वो सिचुएशन में डिफर नहीं कर पा रहा है तो इस वजह से जो उसकी डिस्टिंग डिस्टिंगटिवनेस है वो लो है तो अगर कंसिस्टेंस लो है डिस्टिंगटिवनेस लो है और कंसिस्टेंसी हाई है तो हम ये एंट्रीब्यूट करेंगे दैट जो भी इंसान है वो जो बिहेव कर रहा है दैट इज़ बिहेविंग बिकॉज ऑफ इट्स इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स अब एक्सटर्नल में बात करें तो कंसिस्टेंस हाई होनी चाहिए तीनों ही यहाँ पे हाई आपको याद करने में ईजी हो जाएगा कि एक्सटर्नल में तीनों ही चीजें हाई रहेंगी तो अब इसके पीछे का लॉजिक भी समझ लेते हैं कि कंसिस्टेंसी हाई का मतलब क्या है कि जो हर लोग हैं बाकी के जो लोग हैं पार्ट ऑफ टारगेट पर्सन वो भी वैसे ही बिहेव कर रहे हैं तो यानी अगर सब कोई एक जैसा बिहेव करे तो इसका मतलब देयर आर सम एक्सटर्नल फैक्टर्स चून को प्रोवोक कर रहे हैं कि आप इस तरह से बिहेव करें तो जब इस तरह से है तो यानी वो एक्सटर्नल कोई चीज है वो इंपर्सनल इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कंसिस्टेंसी भी हाई होनी चाहिए ठीक है उसके बाद डिस्टिंग्विनस डिस्टिंग्विनस भी हाई होनी चाहिए यानी कि जो टारगेट पर्सन है ही डज नॉट बिहेव इन द सेम वे इन डिफरेंट सिचुएशन यानी कि वो अलग अलग सिचुएशन में को डिफ़र कर पाता है ठीक है तो यानी कि ऐसा है अगर तो वो डिस्टिंगनेस भी हाई होगी उसकी तो यहाँ पे हम एक्सटर्नल जब एक्सटर्नली एट्रीब्यूट करेंगे किसी भी बिहेवियर को तो यहाँ पे ये तीनों ही फैक्टर्स हाई होंगे अब अगर इसको एक एग्जाम्पल से समझें तो सपोज करिए एक इंसान है ठीक है एक्स वो क्रिटिसाइज़ करता है अपने नेबर वाई को तो अब वो क्रिटिसाइज़ क्यों कर रहा है कोई एक्सटर्नल uh, फैक्टर्स की वजह से या इंटरनल फैक्टर्स की वजह से तो हम तीन एस्पेक्ट्स को देखेंगे तो एवरीवन इन द नेबरहुड एट वाई हर कोई वाई को क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो यानी कि कंसिसटेंस हाई है हर कोई एक जैसा बिहेव कर रहा है एक्स ऑल्सो क्रिटिसाइज वाई एट अदर टाइम्स वो हर दूसरे टाइम पर भी एक्स जो है वो वाई को क्रिटिसाइज़ करता है यानी कंसिस्टेंसी भी हाई है और एक्स डज नॉट क्रिटिसाइज एनी अदर नेबर वो सिर्फ वाई को क्रिटिसाइज़ करता है और किसी नेबर को क्रिटिसाइज नहीं करता यानी कि वो सिचुएशन में डिफर कर पा रहे थे यानी कि जो डिस्टिंग है वो भी

लो है एक्स जो है वो वाई को हर टाइम पे क्रिटिसाइज करता है यानी कि कंसिस्टेंसी हाई है ठीक है एक्स ऑल हिज नेबर वो सिर्फ वाई को ही नहीं बल्कि जितने भी उसके नेबर्स है वो सबको क्रिटिसाइज करता है यानी कि डिस्टिंगटिवनेस भी लो है तो यहां पे क्या है इंटरनल कॉजेज है प्रॉब्लम कहाँ है एक्स के अंदर है वाई के अंदर नहीं है यहाँ पे पर्सनल जो उसके ट्रेड्स हैं वो जिम्मेदार हैं दैट ही क्रिटिसाइजेज एवरी वन आई होप दिस शॉर्ट वीडियो इज क्लियर थैंक्स फॉर वॉचिंग हेट